गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग जम्मू से बैठे थे उधमपुर वाली बस में और उधमपुर वाली बस ने हमको उतार दिया यहाँ इस जगह पे। और यहाँ से ये देख ले, श्री गुरु रविदास चौक है ये उधमपुर का। और यहाँ से हमको ये मिली है बस जो हमको लेके जाएगी राममान के लिए। सामने टैक्सी भी लग रही है, सीधी लेके जाती है बनिहाल, लेकिन हम बस से जाएंगे। देखो पहाड़ों में घर कितने ऊपर ऊपर बने हुए हैं, देखो उधर दिख रहे हैं कितने दूर रहते हैं लोग ऊंचाई पे। यार जो रोड है वो तो बहुत ही खतरनाक है। ये खेती किस तरीके की है, नीचे पानी आ रहा है और यहाँ पे ज्यादा अभी बर्फ ही बर्फ पड़ेगी तो ये पेड़ पौधे सारे बर्फीले हो जाएंगे भाई। देख लीजिए आप, पत्नीटॉप के लिए जा रहा है यहाँ से ही रास्ता। वो पहाड़ दिखने लगते भाई, बर्फीले पहाड़ वो रहे पीछे भाई। ये है चिनैनी टनल जो कि भारत की सबसे लंबी टनल है, 9 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अरे ये टनल खत्म, 9 किलोमीटर टनल थी, बहुत टाइम लग गया उसमें, आधे घंटे से ज्यादा टाइम लग गया उसमें। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रामबन और सामने दिखने लग गए हैं बर्फ के पहाड़। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये है रामबन का एक बस स्टैंड और यहाँ से बनिहाल के लिए हम लोग लेंगे अभी अगली बस, तो देखते हैं। और ये जो एरिया है लैंडस्लाइड एरिया पूरा का पूरा रामबन का। स्ट्रगलर्स के नाम से चैनल है अपना, स्ट्रगलर हाँ, सुनील कुंद्रा भी सर्च करोगे तो आ जाएगा। गाइस ये वाला रामबन का एरिया है, हमें बनिहाल के लिए ये बस मिल चुकी है, अब हम इसमें जाएंगे बनिहाल। खाने जाना आपने। सीट नहीं है क्या? भाई कश्मीर का मार्केट किस तरीके का है, ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ पूरा का पूरा कस्बा है। गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन थोड़ी देर में, अभी यहाँ से 30-40 मिनट का रास्ता हो रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बनिहाल और अब यहाँ से हमें जाना है श्रीनगर के लिए, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा बनिहाल रेलवे स्टेशन, जो कि मार्केट से हमें मिलेगी एक टैक्सी। तो अभी मार्केट तक तो पैदल जाना है। और भाई यहाँ से बर्फ़ दिखने लग गई है, बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो भाई कश्मीर के बर्फ़ के पहाड़ देख लो। तो अभी कुछ देर बाद तो हम बर्फ़ में ही होंगे, तो अभी हम जा रहे हैं भाई। ये है बनिहाल टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, और अब हम लोग जाएंगे बनिहाल रेलवे स्टेशन, जिसके लिए मार्केट तक हमें पैदल जाना पड़ेगा और मार्केट से मिलेगी हमें टैक्सी जो छोड़ेगी हमें बनिहाल रेलवे स्टेशन। और 3:15 बजे हमारी ट्रेन है बारामूला। सामने बर्फ के पहाड़ और ये रास्ता है मार्केट के लिए जा रहा है। मार्केट जाने का रास्ता है पूरा और इसके पीछे की तरफ ही बर्फ के पहाड़ है। हवा ठंडी चल रही है वैसे, लेकिन धूप है। यहाँ से मिलेंगे आपको बनिहाल रेलवे स्टेशन के लिए टैक्सी, इस तरीके की वैन है जो स्टेशन तक छोड़ेंगे। कितने रुपए लोगे? 15 10 नहीं लोगे? चलो ठीक है, यहाँ से 15 रुपए में टैक्सी मिल रही है रेलवे स्टेशन के लिए। तो अभी हम ये वाली गाड़ी मिल जाएगी। ये भैया है, ये छोड़ के आएंगे हमें बनिहाल रेलवे स्टेशन। लोगों ने कर लिया भाई बनिहाल रेलवे स्टेशन के लिए वैन से। ढाई किलोमीटर है यहाँ से ना रेलवे स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं भाई स्टेशन वाले, साइड में पहाड़ी और जस्ट सामने बर्फ के पहाड़। अभी हल्की हल्की बर्फ है पहाड़ों पे, ठीक है भाई। बनिहाल रेलवे स्टेशन सामने ही है।
सब कुछ व्यू है भाई सामने स्टेशन का, ये देख लो बनिहाल रेलवे स्टेशन। स्टेशन के सामने का व्यू कुछ इस प्रकार का है और ये देखिए बहुत ही अलग तरीके के स्टेशन है, लगेगा नहीं कि रेलवे स्टेशन है, एकदम ऐसा लग रहा है होटल टाइप का है। अपना वैष्णो ढाबे पे आए हैं और यहाँ पे 50 रुपए का आलू का पराठा मिल रहा है, तो वो हम लगवा दिए हैं 3 पराठे। कभी भी आओ तो पराठा खाओ यहाँ पे 50 रुपए का पराठा, लेकिन मजा आ गया राजमा के साथ। और जो इमली की चटनी थी वो तो भाई क्या ही बताए, मजा नहीं आया? मजा आया यार, लहसुन की चटनी, इमली वाली भाई यार, इमली वाली ठीक है। रेलवे स्टेशन के अंदर टिकट लेने के लिए अभी आप देख सकते हैं 14:29 का टाइम हो गया, 3:15 बजे की ट्रेन और टिकट देखते हैं। टिकट घर ही है इधर, इसका जो टिकट है वो 45 रुपए का है, 2 टिकट लिए 90 रुपए के, और ये सामने जो ट्रेन लगी हुई है यही जाएगी श्रीनगर बनिहाल रेलवे स्टेशन से। तो वही श्रीनगर की यात्रा शुरू हो गई है बनिहाल रेलवे स्टेशन से, पूरा का पूरा देख सकते हैं आप, ट्रेन पूरी जनरल है ये वाली। क्या बैठ लेते हैं, कहीं बैठ लो, हालत तो खराब ही है ट्रेन की। तो बनिहाल से हमारी गाड़ी चल चुकी है बिल्कुल ही ऑन टाइम श्रीनगर के लिए। भाई कश्मीर वाली फीलिंग आने लग गई है अब धीरे धीरे, अब लग रहा है कि यहाँ कश्मीर में है, क्योंकि अब बर्फ भी देख ली है और श्रीनगर के लिए भी बैठ लिए हैं चलने के लिए ट्रेन में, तो अब बहुत मजा आने वाला है। काजीकुंड रेलवे स्टेशन, और इस स्टेशन पे गाड़ी 15-20 मिनट रुकी है। खेती बाड़ी खूब है, देखो खूब खेती बाड़ी होती है इधर, खूब बड़े बड़े खेत बने हुए हैं। ये कोई नदी नदी के किनारे पे है, देखो भाई कश्मीर में गांव कैसे होते हैं, अलग ही तरीके के गांव है। सभी गांव है भाई, गांव में घर भी खूब अच्छे अच्छे बने हुए हैं। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे, और अब शाम हो चुकी है, तो इसलिए हम सबसे पहले अपना रुकने का इंतजाम देखेंगे। भाई श्रीनगर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, ठंड तो अभी तक भी वही जयपुर वाली है, देखो शर्ट में ही हूँ अभी भी। अब देखते हैं बर्फ वाले पहाड़ों पर भी ये शर्ट काम करेगी या फिर जैकेट लेना पड़ेगा। पहुंच गए आखिर, और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से डल लेक के लिए और वहीं स्टे करेंगे। सामने ऑटो टैक्सी सामने है, हम पहुंच चुके हैं डल लेक, अब जा रहे हैं हाउस बोट में। नहीं गिरेगा, आजा भाई आजा, क्या गिरे जाएगा यार, जाना शिकारा क्रॉसिंग के लिए, बाकी इसमें घूमना है। जी जी, हमारा चाय पानी खर्चा इसी में निकलता है। सही है सर, सही है। देखो अब सभी तरह के टूरिस्ट आते हैं ना, कोई अमीर भी होता है, कोई गरीब भी होता है। 60 बंदा था। जी जी, तो भैया अभी हम लोग जा रहे हैं हाउस बोट के लिए, और ये अंकल जी लेके जा रहे हैं हमको हाउस बोट के लिए शिकारा से। शिकारा बोलते हैं यहाँ पे पानी की जो नाव होती है उसको शिकारा बोला जाता है यहाँ पे, और ये बता रहे हैं कि 1200 से ज्यादा हाउस बोट है। हाउस बोट का मतलब क्या है वो देख लो एक बार आप, ये घर है बोट के ऊपर बने हुए हैं, इसी को हाउस बोट कहते हैं, और सभी के अलग अलग तरीके के नाम दिए गए हैं। और अभी हम लोग डल लेक की सैर कर रहे हैं, वैसे मॉर्निंग का विचार था हमारा, लेकिन अभी बहुत मजा आ रहा है। एक बार इंग्लिश बोल दीजिए आपकी, इंग्लिश हाउस बोट इज बेटर टू फ्रॉम इन कश्मीर टू लेक्स, वेरी गुड वेरी नाइस, टू कश्मीर, कश्मीर पैराडाइज, कश्मीर पीसफुल प्लेस, यस यस यस, and your English is very good. Thank you sir. I have to learn just only tourist. We are not educated from as a school. Yeah, yeah. Just I've been to travel from as a tourist. Yeah. I'm changing my mind. Yes, yes. He'll talk with us, I'll talk with him. Okay. Long English, talk English, talk English. Yes, yes. Uncle ki English bhai sunke maja aa raha hai bahut. Chuke finally. अंकल जी के साथ में, अंकल जी हमें हाउस बोट दिखा रहे हैं अभी, चलिए चलते हैं। यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, जी जी, खाना लोग बाहर से लाता है, यहाँ खाता है आराम से। अच्छा, ये ओवन है, ये देखो इसमें हम लंबी रखता है, जी जी, गर्म होता है। इसमें कस्टमर गया था अभी, अच्छा तापने के लिए, हाँ, थोड़ा हाथ वाथ सेकने के लिए ना, जी जी, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं है सर।
लाइट अच्छा अभी आएगा इधर ना जी, जी। अच्छा इसमें तो, ये पूरा का पूरा एक मतलब बोट है और इसी में यार बड़ा होटल बना रखा है। अच्छा इसमें लाइट है, अच्छा अच्छा आ रहा है, आ रहा है लाइट भी आ रहा है, थोड़ा देर रुकना है। अच्छा अच्छा नहीं ये है इतना कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्टर है। अच्छा ये इन्वर्टर है, जो लकड़ी है वो फरवरी का भी बहुत अच्छी पंजाबी तगड़ी तगड़ा तड़का पंजाबी तड़का है। श्रीनगर नाइट व्यू।